आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे और विस्तार से करेंगे उस टॉपिक का नाम है आईबीएस, है ना। बहुत सारे लोग आईबीएस से परेशान हैं, बहुत सारे लोग आईबीएस के बारे में जानना चाहते हैं और बहुत सारे लोग ये सिम्टम्स समझना चाहते हैं कि क्या उनको भी आईबीएस है, यानी कि जो बॉडी में सिम्टम्स उनके आ रहे हैं क्या ये आईबीएस के ही सिम्टम्स हैं। तो हम बात करेंगे आज आईबीएस के कारण को लेकर, उसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण को लेकर और न्यूरोथेरेपी की उसमें क्या भूमिका है ये देखेंगे, है ना। तो आईबीएस को सबसे पहले हमें समझना है, आईबीएस जो फुल फॉर्म है इसकी इरिटेबल बवल सिंड्रोम। इरिटेबल, ये इरिटेट वर्ड से बना हुआ है, यानी कि इरिटेशन, कहते ना हम इरिटेट हो रहे हैं, तो इरिटेशन से इरिटेबल बना हुआ है, यानी कि जब हमारी बवल सिंड्रोम यानी कि बवल की मूवमेंट, इस बवल को क्या बोलते हैं हम, लार्ज इंटेस्टाइन मानकर चलते हैं, है ना। बवल मूवमेंट, आपका पेट की जो मूवमेंट है वो कैसी है, तो वोवल मूवमेंट जब इरिटेट हो जाती है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आईबीएस कहते हैं। यानी कि वो जो इरिटेटिंग हो गई है, अब कोई व्यक्ति जब इरिटेट हो जाए तो क्या होगा, चिड़चिड़ा हो जाता है, काम करता नहीं है, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और आप अपना 100% दे रहे हैं, है ना भाई, आप 8 घंटे की जॉब है, 10 घंटे की जॉब है, 12 घंटे की जॉब है और आप उतना पूरा प्रॉपर तरीके से टाइम दे रहे हैं, आप कोई टाइम इधर उधर भी नहीं लगा रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद आपको हर 3 दिन बाद आपको बॉस बुलाकर डांटे समझे या आपको कमियां निकाले, तो उस समय पर क्या होगा, आप इरिटेट हो जाएंगे, है ना, इरिटेट हो जाएंगे। बार बार आपको बुलाकर डांटने से क्या होगा, आप इरिटेट होंगे और उस इरिटेशन में क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, या तो आप काम करना बंद कर देंगे या आप गुस्से में आकर ज़्यादा काम करेंगे, दो ही चीज़ें होंगी, या तो आप गुस्से में आकर क्या करेंगे, काम बंद ही कर देंगे, भाई मैंने काम करना नहीं, जब मैं अपना 101% दे रहा हूँ और उसके बावजूद मुझे बार बार गुस्सा कर रहे हैं, बार बार मुझे सुना देते हैं, तो उस समय पर हम हो सकता है काम छोड़ दें। और दूसरा ये भी हो सकता है कि गुस्से में आकर आप ज़्यादा काम करना शुरू कर दें, है ना, अपनी क्षमता का से भी ज़्यादा काम करें, तो उन दोनों ही कंडीशन में आप क्या हैं, कहीं ना कहीं आप बीमार हो सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारी इंटेस्टाइन के साथ होता है, जब हमारी इंटेस्टाइन इरिटेट हो जाती है, इरिटेशन में, इरिटेशन की वजह से या तो वो स्लो हो जाती है या वो फास्ट हो जाती है, यानी कि वो जरूरत से ज़्यादा काम करने लगती है या जरूरत से कम काम करना शुरू कर देती है, काम ही नहीं करती है, उसको हम आईबीएस कहते हैं। अब इसमें दो चीज़ें आई, जब जरूरत से ज़्यादा काम करेगी तो क्या होगा, उस समय पर आपको लूज मोशन हो सकते हैं, है ना, जब वो जब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन तेज़ी से काम करेगी तो वो मोशन को क्या है, बहुत तेज़ी से बाहर निकालेगी, आप जो कुछ खाएंगे तुरंत बाहर, जो कुछ खाएंगे थोड़ी देर बाद मोशन आना शुरू कर देंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आईबीएस डी बोलते हैं। यानी कि आईबीएस की दो कंडीशन हो गई, आईबीएस डी यानी कि आईबीएस मतलब डी का मतलब डिसेंट्री, आईबीएस डी का मतलब जब आपके इंटेस्टाइन इरिटेट हो जाए और इतनी ज़्यादा इरिटेट हो जाए कि वो अब आपके खाने को पचाने के बजाय उस जैसे ही खाना खाया आधे घंटे में आपको मोशन आ जाएगा, तो वो हो गया आपका जब इंटेस्टाइन इरिटेट होकर जरूरत से ज़्यादा काम करने लग जाती हैं, हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, ओवर एक्टिव हो जाती है, तो वो हमारा आईबीएस डी हो जाता है। अब जब आईबीएस सी में क्या होगा, यानी कि जो उसका काम है वो काम करना ही बंद कर दे उस इरिटेशन की वजह से, उस इरिटेशन की वजह से, अभी हम उस कारण को भी ध्यान में करेंगे कि किस वजह से इरिटेट होती है, तो उसको हम ध्यान में रखें कि जब आपकी इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन खासतौर से, क्योंकि मोशन को पास आउट करने की जिम्मेदारी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की है, लार्ज इंटेस्टाइन से पहले जब आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो वो आपके लिए न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसमें से पोषण आपको मिलने वाला है, लेकिन जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो अब वो आपके लिए वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, यानी कि विजातीय तत्व बन जाता है, यानी कि वो आपके लिए कचड़ा बन जाता है, उस कचड़े को बाहर निकालने की जिम्मेदारी किसकी है,
आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जब स्लो हो जाती है, अपने जो नॉर्मल उसका काम है वो भी करना बंद कर देती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, यानी कि IBS सी हो जाएगा। सी का मतलब कॉन्स्टिपेशन है, यानी कि जब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन अपने नॉर्मल फंक्शन से कम काम करना शुरू कर देती है तो वो आपको सी यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसको थोड़ा सा डायग्राम से हम समझते हैं। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की जो आकृति है लगभग इस तरीके बनी होती है ना, जो लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी इस तरीके के बनी है। अब इसमें ये अपेंडिक्स हो गया, ये हमारा रेक्टम हो गया, एनएस के थ्रू मोशन बाहर आएगा, ये हमारा अपेंडिक्स का हिस्सा हो गया, और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई जो इस तरीके से ऊपर से। यहां पर इलियम सिकल वाल्व है, जैसे ही हमारा मोशन यानी कि हमारा जो खाद्य पदार्थ है हमारे इलियम सिकल वाल्व से क्रॉस करके लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, ये अब हमारे लिए केवल कचरा बन जाता है, विजातीय तत्व बन जाता है, और ये आगे जाकर मूवमेंट आगे करती है, ये हमारे मोशन आगे की तरफ बढ़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग कॉलोन कहते हैं। इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग कॉलोन कहते हैं, असेंडिंग कॉलोन कहते हैं, यानी कि जो हमारा ऊपर की तरफ मोशन आ रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा, इस हिस्से को हम लार्ज इंटेस्टाइन के इस हिस्से को क्या कहेंगे, असेंडिंग कॉलोन कहेंगे, असेंडिंग कॉलोन कहेंगे। और ये जो हमारा लेटा हुआ हिस्सा है इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलोन, है ना, ट्रांसवर्स कॉलोन, यानी कि अब मोशन इस तरीके से आगे बढ़ता है, अब यहां से मोशन धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कॉलोन कहते हैं। तो मोशन इस तरीके से आगे बढ़कर नीचे की तरफ आता है, और यहां पर एक मोड़ आता है जिसको हम कहते हैं सिग्मॉइड कॉलोन कहते हैं। सिग्मॉइड कॉलोन के बाद ये जो हिस्सा है इसे हम रेक्टम कहते हैं, और रेक्टम के अंदर आपका मोशन आकर इकट्ठा होने लग जाता है, यहां पर इकट्ठा होने लग जाता है। रेक्टम एक थैली है, जब वो भर जाती है तो एक मैसेज पास आउट होता है कि हमें मोशन को पास आउट कर देना चाहिए। जैसे ये थैली यानी कि रेक्टम भरता है, हमारे ब्रेन में एक मैसेज जाता है और ब्रेन हमारे को कहता है कि आपको मोशन को पास आउट कर देना चाहिए, तो हम एनएस के थ्रू इस मोशन को पास आउट कर देते हैं। यानी कि यहां से यहां तक की जो कहानी है पहुंचने की, इसमें इस मोशन को आगे बढ़ाने में हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट काम करती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है कि वो एक लहर चलती है, एक लहर की वजह से, जैसे समुद्र में आपने देखा होगा कि आप कोई भी चीज़ समुद्र के अंदर फेंकने की कोशिश करिए, उसकी लहर उसको वापस किनारे पर छोड़ देती है, है ना। कभी आपने देखा हो कि बीच समुद्र में आप किसी आदमी को मारकर फेंक दो तो समुद्र की लहरें धीरे 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 कर उसे किनारे पर छोड़ देंगी, यानी कि उन लहरों की वजह से वो चीज़ें किनारे पर आ जाती हैं। तो ऐसे ही लहर हमारे पेट के अंदर चलती है और उस लहरों की वजह से हमारा मोशन आगे 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 बढ़ता रहता है। अब जो लहर है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये लगभग हर 20 सेकंड में एक लहर चलती है, हर 20 सेकंड में एक लहर चलती है, मोशन आगे बढ़ता है, फिर लहर आएगी, फिर आगे बढ़ाएगा, फिर मोहर लहर आएगी, आगे बढ़ेगा, तो इस तरीके से आपका मोशन धीरे धीरे कर यहाँ तक पहुँचता है। ये जो लहर है ये आपके ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है, ये आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है जिसको हम ANS कहते हैं, यानी कि अपने आप चलने वाला सिस्टम जिसके लिए हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हार्ट अपने आप काम कर रहा है, आपको कहने की जरूरत थोड़ी है कि हार्ट को काम करना है, नहीं करना है, रेस्ट करना है, वो सब अपने आप देखता है। जब आप दौड़ते हैं तो तेजी से काम करता है, जब आप लेटे होते हैं तो बहुत कम काम कर रहा होता है, मतलब आराम से काम कर रहा होता है, जब खड़े हैं तो थोड़ा सा और स्पीड बढ़ती है, जब आप चलते हैं तो थोड़ा और स्पीड बढ़ती है, जब आप दौड़ते हैं तो वो अपनी पूरी स्पीड में काम करता है, तो अपने आप हुआ, आपको कहने की जरूरत ही नहीं। तो ये जो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है जो अपने आप काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी कि ये अपने आप कंट्रोल होते हैं। ऐसे ही हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी अपने आप कंट्रोल होती है ब्रेन के द्वारा, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा।
अब ये नर्वस सिस्टम का कंट्रोल किस पर है, यानी कि नर्वस सिस्टम हमारी इस लहर को कंट्रोल करता है। जब आप इरिटेट हुए तो ब्रेन भी इरिटेट होता है, यानी कि कहीं ना कहीं उस जो आपकी बॉडी के अंदर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इरिटेट होती है, तो उस इरिटेशन से आपका नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो जाता है और उस गड़बड़ की वजह से आपकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये अप डाउन हो जाती है, यानी कि या तो स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी, या तो स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी। अगर ये स्लो हो जाएगी तो मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक पहुंचने में 12 घंटे का समय लगता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहां से मोशन को यहां तक भेजने में कितना समय लग रही है, 12 घंटे का समय लग रहा है। तो इस आधार पर आपको 24 घंटे में 2 बार मोशन आएगा। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, एक बार सुबह जाते हैं एक बार शाम जाते हैं, एक बार सुबह जाते हैं एक बार शाम को जब घर पे वापस आते हैं तो मोशन जाते हैं फिर उसके बाद खाना खाते हैं। तो ये 12 से 24 घंटे का समय यहाँ से यहाँ तक का लगता है। ये आपके डिपेंड करता है कि आपने डाइट भी क्या ली है। तो सामान्य तौर पर 12 से 24 घंटे का समय आपके इस मोशन में दूरी को लगता है। जब आपकी ये लहर हर 20 सेकेंड में चल रही है, 20 सेकंड में चल रही है, तो मोशन आपका यहां से यहां तक पहुंचने में 12 से 24 घंटे का समय लेगा। अब इसके बाद में अगर ये लहर तेजी से चले तो अगर ये हर 10 सेकंड में चले, अभी 20 सेकंड में चल रही थी अब हर 10 सेकंड में चल रही है, तो तेज हो जाएगी स्पीड और यहां पर इस मोशन को यहां पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, अब 6 घंटे का समय लगेगा। यानी कि अब आपको हर 6 घंटे बाद मोशन आएगा, हर 6 घंटे बाद मोशन आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग क्या हो गई, कम हो गई, हर 10 सेकंड में मोशन आपको लहर चल रही है। तो ये आपका क्या हो गया, अब 4 बार यानी 24 घंटे में आप कितनी बार जाएंगे मोशन, 4 बार जाएंगे। तो यहाँ पर आपके मोशन की जो वैल्यू है यानी कि वो आपकी क्वांटिटी है वो बार बार आपको तंग करेगी। और यही अगर आपकी 5 सेकंड में आ जाए तो हर 5 सेकंड में जब लहर चलेगी तो इसका मतलब क्या है, अब यहां पर आप जो 4 बार मोशन जा रहे थे वो 8 बार जाएंगे, है ना। तो यानी कि आपकी लहर बहुत तेजी से जब चलेगी तो मोशन का जो नंबर है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये इरिटेटिंग है, यानी कि वो गुस्से में आकर ज्यादा तेजी से चल रही है, है ना। और इसका हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है कि मैं इसे चाहूं तो रोक लूं, इसके लिए हमारे नर्वस सिस्टम ही हमारा इसको कंट्रोल करेगा। तो नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने की जरूरत है जो अंदर से वो इरिटेट हो गया है। तो इस कंडीशन में ये जो आई वेस होगा कौन सा होगा, ये आई वेस कौन सा होगा, डी वाला होगा, यानी कि डिसेंट्री हो गई, 8 बार मोशन आ रहा है उसको क्योंकि हर 5 सेकंड में एक लहर चल रही है। तो हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि अब इसमें भी क्या है, जब सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक की हम बात करते हैं तो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक क्या है, इस मूवमेंट को फास्ट और स्लो करते हैं, फास्ट और स्लो करते हैं, लेकिन जब इनका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है तो ये या तो फास्ट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। जैसे हमारा हार्ट है, सुकड़ता है फैलता है, सुकड़ता फैलता है, सुकड़ता फैलता है, सुकड़ता फैलता है, तो ये सुकड़ने और फैलने के पीछे भी हमारा नर्वस सिस्टम है जो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक के कोऑर्डिनेशन से हमारा हार्ट सुकड़ता है फैलता है, एक उसे सुकड़ता है एक फैलता है। और अगर ये काम ना करे, मान लीजिए सुकड़ने वाला काम ना करे तो ये फैला रह जाएगा और फैलने वाला काम ना करे तो ये सुकड़ा रह जाएगा। तो ऐसे ही कुछ हमारा हमारी इंटेस्टाइन के साथ होता है, हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के साथ होता है। तो जब ये फास्ट हो जाती है तो फास्ट होने पर ये आईवीएस डी यानी कि डिसेंट्री का सिम्टम्स बनता है। जो हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट 20 सेकंड में चलनी थी अब वो मान लीजिए 40 सेकंड में चले तो 40 सेकंड में जब चलेगी यहां से यहां तक की दूरी तय करने में उसे 12 घंटे का समय लगता है। और वो कब लगता है, जब ये 20 की स्पीड से चले, मतलब 20 के उसमें चले, हर 20 सेकंड के अंतराल में चले, हर 20 सेकंड के अंतराल में चले। अगर ये 40 सेकंड के अंतराल में चलती है यानी ये गैप ज्यादा हो जाएगा, तो 40 सेकंड के अंतराल में जब ये चलेगी तो यहां से यहां तक का मोशन आने में अब कितना समय लगेगा, 24 से 48 घंटे लगेंगे। अब ये समय ज्यादा हो जाएगा तो 24 से 48 घंटे में यानी कि आपको मोशन या तो 24 घंटे में एक बार आएगा जिसको 2 बार आना था, और या 48 घंटे में एक बार आएगा यानी कि 2 दिन में एक बार मोशन आएगा। और जब 2 दिन में एक बार मोशन आता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं,
कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, यानी कि हमारा अब यहाँ पर कौन सी बीमारी हो गई है, आईबीएस सी हो गई, यानी कि आईबीएस सी हो गई। अब हमें ये तो समझ आ गया कि ये इरिटेट हुआ और ये हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या तो स्लो हो गई है या फास्ट हो गई है। फास्ट होगी तो आपको डिसेंट्री हो जाएगी, स्लो हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। और ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये कहाँ से कंट्रोल होती है, हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। नर्वस सिस्टम में भी ये एएनएस से कंट्रोल होती है, एएनएस में जिसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और उसमें भी दो हिस्से हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक का ठीक होना बहुत जरूरी है, तब जाकर हमारी इंटेस्टाइन ठीक से काम करेगी। अब हमें ये कारण समझ आ गया कि हुआ क्या, इसका साइंटिफिक कारण क्या है कि आईबीएस कैसे हुआ, आईबीएस सी कैसे हुआ और आईबीएस डी कैसे हुआ। अब इसके पीछे की कहानी क्या है कि ये हुआ क्यों है, ये तो कहानी ये हो गई कि ये हुआ है कि ऐसा हो चुका है पेशेंट को, या तो वो आईबीएस सी का शिकार हो गया या वो आईबीएस डी का शिकार हो गया। अब ये हुआ क्यों है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो गई है, फास्ट हो गई है, उसके पीछे के कारण को हम अब समझते हैं। इसके पीछे के कारण को अगर हम ध्यान में दें तो इसमें अगर आपको लंबे समय तक इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन बन जाए, यानी कि आपके बॉडी के अंदर, पेट के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो, पहले इन्फेक्शन होता है पेट के अंदर, वो धीरे धीरे कर इन्फ्लामेशन में चेंज हो जाता है, तो उस समय पर आपका इंटेस्टाइन की मूवमेंट इरिटेट हो सकती है, जो कि आपके ब्रेन से कंट्रोल है और वो धीरे धीरे ब्रेन को भी, हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक को भी डिस्टर्ब कर सकती है। तो लंबे समय तक इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, जैसे बहुत सारे लोगों को टाइफाइड हो जाता है, बहुत सारे लोगों को हिपेटाइटिस हो जाता है, बहुत सारे लोगों को हमारे लूज मोशन लग जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके अंदर इफेक्ट हो गया है ना। बहुत सारे लोगों को जॉन्डिस हो जाता है, बहुत सारे लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो ये लंबे समय तक, यानी कि दो चार दिन में ठीक होए तो कोई दिक्कत नहीं है, दो चार दिन में कभी भी ये आईबीएस नहीं होगा। आईबीएस का मतलब ही है इरिटेबल, यानी कि ये इरिटेट हो गया है। एक दिन में थोड़ी इरिटेट होगा कोई व्यक्ति, अगर एक बार बॉस ने डांट दिया तो उससे थोड़ी कोई इरिटेट होगा। इरिटेट कब होगा, जब हफ्ते में 5 बार डांटेगा, है ना। हफ्ते में अगर 2 बार डांटेगा तो इरिटेट नहीं होगा, वो भी कहेगा बॉस है, बॉस डांट सकता है। लेकिन वो हर दिन बुलाकर ऑफिस आते ही वो पहले उसे बुलाए और उसको डांटना शुरू कर दे, पहले जैसे ही ऑफिस आए वो पहले उसको डांटना शुरू कर दे, तो यानी कि रेगुलर बेस में जब चीज़ें होंगी तो वो इरिटेट हो जाएंगी, यानी कि वो इरिटेशन पैदा करेंगी। तो यही कुछ होता है, ये एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे कर आपका सिस्टम इरिटेबल में चला जाएगा, यानी कि इंटेस्टाइन आपका कंट्रोल खो देती है। तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन आपको लंबे समय तक अगर पेट के अंदर रहे तो ये इरिटेशन का, यानी कि इरिटेबल का फंक्शन कर सकता है, ये इसका कारण बन सकता है। यहाँ पर हमने देखा कि लाइफस्टाइल भी इसमें एक गड़बड़ी है। लाइफस्टाइल का मतलब है कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ चुका है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या है भाई, आप ऑफिस जाते हैं 9 से लेकर 7 बजे तक ऑफिस रहते हैं, आपको ऑफिस में, आप ऑफिस के मूड से जाते हैं भाई मुझे काम करना है, एक माइंड सेट होता है कि मैं 9 से लेकर 7 बजे तक काम करूंगा, 7 बजे का मेरी जिम्मेदारी खत्म, मैं अपना कुछ भी करूं। अब आपको बॉस 7 बजे के बाद फिर फोन करे 9 बजे, उसमें कहे कि आपको 2 घंटे काम करके ये देना है, चलो एक दिन तो समझ आता है। वो हर रोज 9 बजे फोन करे कि भाई ये काम करके दो मुझे और 11 बजे तक ये कंप्लीट करके दो, तो फिर क्या होगा, आप भी इरिटेट हो जाएंगे ना भाई। एक दिन तो चलो समझ आता है, किसी का भी काम कर देंगे, लेकिन रोज फोन कर आपसे ओवर टाइम कराए और उसको पैसे भी ना दे, फिर तो आप उसको बद्दुआएं ही देंगे, है ना। तो उस समय पर क्या होगा, ऐसी ही कंडीशन हमारे पेट के साथ होती है। हम जब भी कुछ, जब मर्जी आया हमने कुछ खा लिया, अभी हमारे पास कोई बैठा हुआ था तो हमने समोसे खा लिए, फिर वो गए तो हमने कुछ और खा लिया, कोई और आया तो हमने फिर खा लिया कुछ, यानी कि आपके खाने पीने का कोई भी टाइम टेबल नहीं है। तो आपने खाना खाया, लीवर को मजबूरन आपने बाइल बनाना पड़ेगा, वहां से पैंक्रियाज अमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन बनाएगी, गॉल ब्लैडर बाइल को रिलीज करेगा और वहां पर सिक्रेटिन और सीसी के 2 हार्मोन रिलीज करेंगे, यानी कि इनको तो काम करने का कोई टाइम ही नहीं है इनका। तो ये क्या होंगे, धीरे धीरे इरिटेट हो जाएंगे, है ना भाई। आप कोई टाइम टेबल से खाएंगे, सुबह ब्रेकफास्ट 9 बजे कर लीजिए, दोपहर में लंच 1 बजे कर लीजिए, रात को खाना खा लीजिए, शाम को मन करे तो चाय पी लीजिए, एक टाइम टेबल बना ना,
तो वो अपने आप में बॉडी एक टाइम टेबल बनाती है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, कि आपने अपने खाने पीने का एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। हम गधे घोड़े थोड़ी है कि जब मर्जी घास को चटते जा रहे हैं, है ना, कि जब मर्जी जो मिल गया वो खाते जा रहे हैं। तो आप जब ये करते चले जाएंगे तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को रेस्ट कब मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वो उस समय पर आपके डाइजेशन की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के सेट ना होने से ये इरिटेशन आती है। तो आपको खाने पीने का टाइम फिक्स करना चाहिए, आपको सोने का टाइम फिक्स करना चाहिए। कभी आप 1 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे सो रहे हैं, कभी 3 बजे सो रहे हैं। तो भाई आपका सेरोटोनिन रिलीज कब होगा? पीनियल ग्लैंड को भी तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करना कि आपका सेरोटोनिन इतने बजे रिलीज हो। अब जब आप 11 बजे सो रहे हैं तो 11 बजे उसको तो सेरोटोनिन रिलीज होना पड़ेगा। जब आप 2 बजे सो रहे हैं तो फिर 2 बजे रिलीज होगा। तो उसका आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं होगा। और रात की नींद हमारे लिए कंपलसरी है। जितनी भी बॉडी के अंदर इंटरनल इंजरीज होती हैं, जितनी भी टूट फूट होती हैं, हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी डेवलप हो रही होती है, उन सबको ख़त्म करने का टाइमिंग हमारे शरीर के अंदर वो 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच का है। यानी कि बॉडी अपने अंदर हीलिंग प्रोसेस चलाती है, बॉडी अपने अंदर हीलिंग प्रोसेस चलाती है, कचरा साफ करती है। विदेशों में आपने देखा हो तो वहाँ पर रोड को साफ करने का टाइम है, वो रात के समय पर रोड साफ करते हैं, दिन के समय पर नहीं करते, क्योंकि दिन के समय तो ट्रैफिक है। और रोड कब साफ करेंगे? जब ट्रैफिक होगा तब साफ नहीं कर सकते, तो वो रात के समय पर रोड को साफ करते हैं। तो वहाँ पर एक टाइम टेबल है, इसलिए आप दिन में जब आप निकलते हैं तो रोड एकदम चकाचक आपको मिलती है। यहाँ पर क्या, इंडिया में यहाँ का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। यहाँ 3 बजे भी कूड़े की गाड़ी आ रही है, यहाँ सफाई हो रही है, यहाँ जब मर्जी कोई सफाई कर रहा है, वहाँ ट्रैफिक भी लगा हुआ है सफाई करने की वजह से। तो भाई रात में साफ करेंगे तो सुबह सबको साफ सुथरा मिलेगा। तो ये टाइम टेबल हमारे शरीर का होना चाहिए कि रात में आपको टाइम पर सोना चाहिए, ताकि बॉडी को भी हील करने का समय मिलता है। तो ये आपकी लाइफ स्टाइल के साथ जुड़ जाता है, यानी कि आपने अपनी बॉडी को बायोलॉजिकल क्लॉक में सेट नहीं करा है। जब मर्जी खाते हैं, जब मर्जी पी लेते हैं, जब मर्जी सो जाते हैं, जब मर्जी उठ जाते हैं, जब मर्जी खेलने चले जाते हैं, जब मर्जी पढ़ने बैठ जाते हैं। जब आपकी लाइफ स्टाइल जब मर्जी वाली चलेगी तो आपकी बॉडी का सिस्टम अंदर से हिल जाएगा, और वो एक आध दो दिन तो चलेगा, इसके बाद वो धीरे धीरे क्या होगा, इरिटेट हो जाएगा। जैसे आपको बॉस जब मर्जी फोन करे कि आपको खड़े हो जाओ, आपको ये काम करके देना है, आपको जब मर्जी फोन करे तो आप भी तो तंग हो जाएंगे ना। आपका बॉस आपको जब भी मन फोन करेगा कि रात को 12 बजे फोन करके कि भाई मेरा काम करके दो, आप कहिए मैं तो सो रहा हूँ, तो सोने में उसको थोड़ी मतलब है, उसको तो काम से मतलब है। तो वो इरिटेटिंग वाला माहौल है, ऐसा ही माहौल हम शरीर के अंदर बना देते हैं। यानी कि हमारी लाइफ स्टाइल हमारी इस बीमारी का कारण बन सकती है। अब ये मजबूरी भी हो सकती है, ये बाई चॉइस भी हो सकती है। मजबूरी क्या है भाई, मैं नाइट जॉब ही करता हूँ, मुझे दिन की जॉब ही नहीं मिली, तो मैं नाइट जॉब करूँगा तो मुझे जगना तो पड़ेगा ही ना, मैं कब सोऊंगा फिर। अब ये मजबूरी हो सकती है, लेकिन शरीर के साथ जब भी मजबूरी में भी आप काम करेंगे, शरीर तो रिस्पॉन्स देगा ही देगा ना। अब आप खुशी से चाकू से इसे काट दीजिए या गुस्से में काटिए, कटेगी तो उंगली कटेगी ना, उसका रिस्पॉन्स तो आपको मिलेगा ही। तो यानी कि आप चाहे खुशी से नहीं सो रहे हैं, बहुत सारे लोग खुशी से नहीं सोते, टीवी देख रहे हैं, है ना, मूवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील बना रहे हैं, वो खुशी वाला है। अब मजबूरी में वो व्यक्ति नहीं सो रहा जिसकी जॉब ही रात को है। तो चाहे आप जॉब मजबूरी में नहीं सो रहे, चाहे खुशी में नहीं सो रहे, दोनों में ही बीमारी तो आपको आएगी ही आएगी, क्योंकि ये नेचुरल सिस्टम है। ये आपकी मशीनरी थोड़ी है कि बैटरी आपने चार्ज पर लगाई, बैटरी चार्ज, और इसका दिन भर यूज़ कर रहे हैं, है ना। मोबाइल को चार्ज पर लगाते हैं, हो जाता है, जब मर्जी लगाते हैं, दिन में भी लगाते हैं, दिन में भी चार्ज हो जाएगा। ये हमारी बैटरी नेचुरल है, जिसका एक टाइम टेबल होना चाहिए। तो लाइफ स्टाइल भी आपका सबसे बड़ा कारण है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मैंने आपको बताया, जब आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इरिटेट हो जाती है तो IBS सबसे बड़ा कारण बन जाता है, यानी कि IBS आने का कारण वही है। इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और ओवरथिंकिंग, कई बार हम बहुत ज़्यादा सोचने का सोचते हैं, कहते हैं कि अगर जरूरत से ज़्यादा सोचना भी कई बार गलत डिसीजन का कारण बनता है, है ना। जरूरत से ज़्यादा सोचना भी, अगर जरूरत से ज़्यादा आप सोच रहे हैं तो 101% आप राइट डिसीजन नहीं ले सकते।
हाँ, जितना एक उचित समय होता है हर चीज के सोचने का है, तो ओवर थिंकिंग से भी आपको समस्याओं का कारण बन सकता है। आपको डिसीजन मेकर होना चाहिए, यानी कि डिसीजन लेने में ज्यादा देर नहीं करनी। आप किसी भी चीज के बारे में सोचते जा रहे हैं, तो वो चिंतन क्या है, क्या हो जाता है, वो तनाव पैदा कर देता है। वो चिंतन नहीं है, फिर वो तनाव है, तो चिंतन तनाव में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आपका चिंतन क्या बोलते हैं, चिंता चता समान हो जाता है ना। तो क्या है, तो चिंतन तो ठीक है, लेकिन चिंता नहीं करनी है। तो चिंता आपकी चिंता में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, चिंतन चिंता में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, जब आप ओवर थिंकिंग बार बार एक ही चीज को सोचे जा रहे हैं, डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं, तो इससे आपके नॉर्मल जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हैप्पीनेस हार्मोन्स में आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी है, आपका सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक भी है। तो हमें किसी भी विषय में एक समय सीमा के अंदर डिसीजन लेना चाहिए। तो ज़्यादा सोचना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ओवर थिंकिंग आप किसी भी विषय को लेकर आपकी स्टडी को लेकर हो सकता है, आपकी शादी को लेकर हो सकता है, आपकी जॉब को लेकर हो सकता है, मैं ये करूं या नहीं करूं। तो बहुत सारे लोग हमारे पास कोर्स करने आते हैं, वो कहते हैं सर मैं 2 साल से सोच रहा हूँ आप कोर्स कर लूँ। अगर उसने 2 साल पहले कर लिया होता तो आज तो न्यूरोथेरेपिस्ट बन चुका होता, और वो 2 साल बाद ही अब कोर्स को ज्वाइन कर रहा है तो 2 साल 1.5 साल और लगेंगे उसे। तो अब वो इस वजह से टेंशन में कि सर मेरा 1.5 साल और ख़राब होगा, तो यानी कि आज मैं ज्वाइन करूँगा तो 1.5 साल बाद न्यूरोथेरेपिस्ट बनूंगा, तो वो इस वजह से और टेंशन में है। तो भैया तुमने 2 साल पहले जब सोचा था तभी कर लेते, हाँ कुछ दिक्कत थी उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो राइट डिसीजन राइट टाइम पर होना चाहिए। और सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब हमारा कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है तो इसका कारण बनता है। हम कारणों पर बात कर रहे हैं कि हमारा IBS आया कैसे है। तो IBS को कौन कंट्रोल करता है, यानी कि हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। जैसे एक सिस्टम हमारा गुस्सा लाने के लिए काम करता है, एक उस गुस्से को ठंडा करने के लिए काम करता है। जैसे सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक क्या है कि एक गुस्सा लाने का काम करेगा, दूसरों से शांत करने का काम करेगा, एक गुस्सा लाने का काम करेगा, एक उसे शांत करने का काम करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। लेकिन अगर एक काम ना करे तो जो शांत करने वाला अगर वो काम ना करे तो क्या होगा, गुस्सा ही आता रहेगा। हाँ, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता रहेगा, छोटी छोटी बात पर हम इरिटेट होते चले जाएंगे। तो ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया। तो ऐसा ही कुछ हमारे इंटेस्टाइन के साथ होता है। जब पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है और हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या तो फास्ट हो जाती है या स्लो हो जाती है और IBS आ जाता है। एंजाइटी का मतलब है कि आप घबराहट, है ना, यानी किसी भी परिस्थिति में आप घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। जैसे अब आपने आपको अभी हम डिक्लेयर करें कि भी अगले संडे आप लोगों का बेसिक का पेपर होगा। अब बहुत सारे लोगों को तो नॉर्मल है भाई, वो तैयारी शुरू करेंगे, बहुत सारे लोगों को एंजाइटी हो जाएगी, अब पेपर आ गए, अब मैं क्या करूँगा, अब तो फेल हो जाऊँगा, मैं पास हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा, और वो क्या है, एंजाइटी में चला जाएगा। वो अभी तक तैयारी, एक हफ्ता है, चाहे तो तैयारी कर सकता है, तैयारी करके पास हो सकता है, लेकिन उसने आज से ही वो टेंशन ले ली मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो यानी कि एक एंजाइटी, ओवर एंजाइटी भी आपके पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने शुरू कर देती है। वो कहते ना यार तो एक कहानी, एक चीज बतानी है, बोले जल्दी बताओ नहीं तो पेट में ना गुड़गुड़ गुड़गुड़ शुरू हो जाएगी, यानी कि आपकी एंजाइटी लेवल हाई चला जाएगा। तो आप किसी भी सिचुएशन को एक नॉर्मल तरीके से उसे विचार करें, उसको सोचें, उसका रिजल्ट, उसका क्या करें, सॉल्यूशन निकालें। तो घबराना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, हमें कोई ना कोई तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो ओवर एंजाइटी यानी कि बहुत ज्यादा घबराहट भी आपके पेट की समस्या का कारण बन सकती है। तो एंजाइटी बहुत सारे लोगों को पेट की समस्या का कारण आती है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, और लूज मोशन उसमें सबसे ज्यादा है। पेपर की एंजाइटी हो जाती है, इंटरव्यू की एंजाइटी हो जाती है कि भाई इंटरव्यू है, उसको पता चले बार बार मोशन आ रहे हैं, बार बार पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहे हैं, पेट में आवाज़ें आनी शुरू हो गई, तो वो क्या है, वो घबराहट है। तो वो भी हमें उसको समझना है। और ये भी क्या है, जब हमारा वो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है तब इस तरीके के हमारे सिम्टम्स आते हैं, है ना। तो एंजाइटी इसमें कारण हो, रॉन्ग हैबिट्स,
रॉन्ग हैबिट्स में आपकी गलत आदत भी आपके आईबीएस का शिकार हो सकती है, यानी कारण बन सकती है। अभी सब कुछ बिल्कुल ठीक है लेकिन हमारी गलत आदत है, हम खाना खाने के बाद नहा लेते हैं, नहाने के बाद तुरंत खाना खा लेते हैं। तो हमारे शास्त्रों में और विज्ञान ये कहता है कि जब हम नहाते हैं, नहाने और खाने और खाने और नहाने में कम से कम 20 से 45 मिनट का फर्क होना चाहिए ताकि बॉडी टेम्परेचर आपका नॉर्मल हो सके। अगर आप नहाते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाता है, अगर आप खाते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो दोनों में फर्क है, एक में बॉडी का टेम्परेचर डाउन जा रहा है, एक में अप हो रहा है। तो दोनों को मेंटेन करने का जो टाइम टेबल है वो बीच का समय है, यानी कि वो हमारे को चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमारी परंपराओं में क्या है कि हम क्या करते हैं, नहाने के बाद में पूजा पाठ करते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं, कुछ न कुछ प्रेयर करते हैं, कुछ न कुछ अच्छी बातें करते हैं, यानी कि कुछ न कुछ हम भगवान से अपने आप को जोड़ते हैं नहाने के बाद, है ना। तो वो नहाने से बाद जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं, जो भी आप ध्यान मेडिटेशन कर रहे हैं और उसके बाद नाश्ता कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो गैप आ गया बीच में। तो हमारी परंपराओं में नहाने के बाद में पूजा पाठ का ये भूमिका है, एक अदा है, यानी कि उसमें एक नियम है, और उसके बाद आप नहाना, आप नाश्ता करिए। तो इस गैप को हमें बनाकर रखना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुरंत नहाते हैं, वो उठते ही लेट है, अब ऑफिस टाइम से जाना है, नहीं तो बॉस डांटेगा। तो क्या होगा कि तुरंत उठे, तुरंत नहाए, तुरंत खाया, तुरंत चल दिए। तो नहाने और खाने में आपने गैप नहीं करा और उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर अप डाउन होगा और उसकी वजह से सारे केमिकल आपके खराब हो जाएंगे, क्योंकि नहाने और खाने के समय पर बॉडी के टेम्परेचर में फर्क पड़ता है। गलत हैबिट्स में आपको ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है कि रात का खाना खाने के बाद जो मैरिड कपल्स के अंदर हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो गैस बनना सबसे बड़ा कारण ये है, यानी कि बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद, रात के खाना खाने के बाद अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं या दोपहर के खाना खाने के बाद, तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। गैस, एसिडिटी, बदहजमी, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, इनमें से कुछ भी हो सकता है और IBS भी हो सकता है। तो आपको ये गलत हैबिट्स की बात कर रहे हैं हम, है ना। गलत हैबिट्स में आपका खाना खाने के साथ आप लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। आप खाना खा रहे हैं, साथ में आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आप चाउमीन खा रहे हैं, या आप जो कोई भी लिक्विड ले रहे हैं, या आप जूस ले रहे हैं, या कुछ ले रहे हैं, वियर ले रहे हैं, कई सारे वाइन लेते हैं, कई सारे लोग शराब पीते हैं। तो आप खाना खाने के बाद अगर ये लिक्विड ले रहे हैं तो खाना आपका अनपचा रह जाएगा। कभी कभार की गई गलती को हर कोई सुधारता है, हर कोई एक्सेप्ट करता है। आप कोई आज गलती कर आएंगे तो जरूर नहीं है कि बॉस आपको डांटेगा ही डांटेगा, बॉस को भी समझ आएगा पहली गलती है, महीने में एक आध बार कोई गलती हो जाती है। गलती को एक्सेप्ट तब नहीं करा जाता जब आप डेली गलतियां करें, है ना। तो एक आध बार की गई गलती एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन बार बार की गई गलती वो गुनाह होती है और उसकी सजा मिलती है। उसकी सजा क्या मिलेगी, हम बीमार हो जाएंगे। यानी कि बार बार अगर आप खाना खाने के साथ कुछ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आप कुछ और पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, विस्की पी रहे हैं, तो ये सबसे आपका पेट खराब होना तय है। तो रॉन्ग हैबिट्स भी इसमें बहुत बड़ा कारण आपका IBS का बनता है। मेडिसिन साइड इफेक्ट, आप बहुत लंबे समय से पेट के किसी ना किसी रोग के लिए या शरीर के किसी रोग के लिए आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे TB अगर किसी को हो जाए तो कम से कम 6 महीने उसे TB का कोर्स कंप्लीट करना है ना। 6 महीने कम से कम आपको TB की मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। ऐसे ही अगर आपको बहुत ज़्यादा गंभीर रोग हो जाए, चाहे वो जॉन्डिस हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, कहते हैं जॉन्डिस जो है या टाइफाइड जो है 2-3 साल तक पॉजिटिव रहता है, है ना। यानी कि लीवर आपका वीक हो गया तो उसे ठीक होने में कम से कम 6-7 महीने लगते हैं। तो लंबे समय तक अगर आप किसी भी बीमारी के लिए मेडिसिन ले रहे हैं तो उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट से आपका पेट का सिस्टम खराब हो जाता है और बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से आपको एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। जैसे विटामिन B12 या विटामिन C अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन पावर खत्म हो जाती है, है ना। तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से लंबे समय तक अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं तो आपका पेट खराब होगा ही होगा। और ये रिसर्च तो यहाँ तक कहती है कि ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जिसका अपना कोई साइड इफेक्ट ना हो।
किसी का 5% साइड इफेक्ट है तो किसी का 50% है, किसी का 90% साइड इफेक्ट है, न्यूरो से रिलेटेड दिक्कतें, यानी कि जो भी आप मानसिक रोगों के लिए मेडिसिन खाते हैं, डिप्रेशन के लिए खाते हैं, एंजाइटी के लिए खाते हैं, नींद के लिए खाते हैं, रिलैक्सेशन के लिए खाते हैं, है ना, ड्रग्स के रूप में ले रहे हैं, इनका सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट पेट के ऊपर होता है। तो जितनी भी हैवी डोज मेडिसिन हैं, जितनी भी मानसिक रोगों के विकार की मेडिसिन हैं, ये सब आपके पेट के सिस्टम को खराब करती ही करती हैं। तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी आपका IBS जैसी समस्या पैदा हो जाती है। यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज मैंने आपको बता ही दिया कि आप खाना खाने के बाद कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटीज हो सकती हैं, खाना खाने के बाद आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना खाने के बाद आप जिम चले जाते हैं, खाना खाने के बाद आपने किसी सामान को उठा दिया, खाना खाने के बाद कोई हैवी काम कर लेते हैं, ये सारे काम आपको बीमार कर सकते हैं। कोई खाना खाने के बाद बॉडी का सर्कुलेशन आपके पेट की तरफ आता है, वो लीवर को स्टिमुलेट करता है, गॉल ब्लैडर को करता है, पैंक्रियास को करता है, इंटेस्टाइन को करता है, स्टमक को करता है, यानी अब बॉडी का पूरा ध्यान आपके पेट की तरफ चला जाता है। वहीं पर अगर आप दूसरे फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे तो ब्लड सप्लाई तो उतनी है ना, 5 लीटर ब्लड है बॉडी के अंदर, है ना? अगर नॉर्मल व्यक्ति के अंदर कितना, लगभग 5 लीटर ब्लड है, तो 5 लीटर ब्लड तो उतना ही है। अब उसे पेट के डाइजेशन को भी ठीक करना है, और अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहां पर भी जाना है, उसमें भी इन्वॉल्व होना है, तो इससे आपके डाइजेशन पावर कमजोर हो जाएगी, वो लीवर से ब्लड सप्लाई जाएगी, वो कहीं और से जाएगी, और ये ऑर्गन्स अपना काम करना बंद कर देंगे या कम कर देंगे। तो खाना खाने के बाद हमें कहते हैं कि वॉक करना है, लेकिन आराम से वॉक करना है, बड़े आराम से टहलना है, तो टहलना है ना, तो वो आप फिजिकल एक्टिविटीज में इतना इन्वॉल्व कर सकते हैं। या खाना खाने के बाद आप वज्रासन में बैठिए, या खाना खाने के बाद थोड़ी सी देर आप बैठिए, फिर उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होइए। और हार्ट पेशेंट के लिए तो मना करा जाता है कि हार्ट पेशेंट को खाना खाने के बाद कोई भी काम नहीं करना, हार्ट पेशेंट को खाना खाने के बाद 15 मिनट तक उस जगह से ही नहीं उठना चाहिए जिस जगह पर बैठकर वो खाना खा रहा है, क्योंकि हार्ट, अब ब्लड सप्लाई तो सारी कहाँ चली गई, पेट की तरफ चली गई, हार्ट उसके पहले से ही खराब है, तो हार्ट को तो काम करना पड़ेगा ब्लड सप्लाई पहुंचाने के लिए। अब उसने कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करी तो हार्ट यहाँ ब्लड सप्लाई पहुंचाई या यहाँ पहुंचाए, और ये खुद बीमार पहले से है, तो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत आ सकती है जिनका हार्ट कमजोर है, तो हार्ट अटैक भी उन लोगों को आ सकता है। तो इस वजह से कभी भी खाना खाने के बाद हमें किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना है, तो फिजिकल एक्टिविटीज हमें खाना खाने के बाद नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारे को समझ आया कि हमारे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम कहीं ना कहीं IBS के शिकार हो जाते हैं, IBS का मतलब समझ आया। और अब IBS के सिम्टम्स के रूप में आपको बता देता हूँ, अगर ये सिम्टम्स आपके साथ हैं, ये सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको महसूस होते हैं, या आपके परिवार में किसी कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, तो आप निश्चित तौर पर ये समझ सकते हैं कि ये IBS के हो सकता है, यानी कि वो IBS का पेशेंट बन सकता है, जिसमें UDF का आना, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, यानी कि आपके मोशन में अनपचा खाना आना, आपने भिंडी खाई उसके बीज निकल गए, आपने टमाटर खाया उसका छिलका निकल गया, आपने कुछ पत्तेदार सब्जियां खाई वो छिलका निकल गया, आपने धनिया खाया वो मोशन में निकल गया। जबकि पेट हमारा ऐसा होना चाहिए कि लक्कड़ हजम और पत्थर हजम, कहावत भी है कि पेट कैसा हो कि लक्कड़ हजम और पत्थर हजम, यानी कि हम लक्कड़ भी खा जाएं तो भी वो डाइजेस्ट हो जाए। तो टमाटर के छिलके, भिंडी के बीज, पालक के पत्ते, ये हमारे लिए इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि हम इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसा अगर आपको आ रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, मोशन में अनपचा खाना आ रहा है, तो निश्चित तौर पर आप IBS के शिकार हो सकते हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती है, बहुत ज्यादा गैस बनती है, पेट फूला रहता है, पेट जाम हो गया, ऐसा लगता है कि पेट एकदम फंसा सा रहता है, तो ये आपका IBS का सिम्टम्स हो सकता है, यानी कि आपको सचेत होने की आवश्यकता है। IBS को शुरुआत में ही अगर हम समझ लें तो इसका शुरुआती इलाज ज़्यादा अच्छा है, यानी कि जब आपको ये लगे, बॉस को ध्यान करना है कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो इरिटेट हो रहा है,
तो वो इरिटेट होने से पहले कोई गलत डिसीजन ले, उसे पहले बॉस को सुधर जाना चाहिए, यानी कि अब हमें उसको ज़्यादा तंग नहीं करना है, है ना। अगर वो इरिटेट होने के बाद वो डिसीजन ले लेगा फिर बॉस क्या करेगा, वो हो सकता है बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपनी जॉब से परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं, यार उसने तो परेशान करके रखा है, कहीं जॉब और मिल नहीं रही, ये हमारे यहाँ हमारे परेशान है, तो अब वो मर गया तो उसके बाद कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। तो अगर हम शुरुआती दौर में आईबीएस को समझ जाएं तो उसका इलाज उतना ही आसान है, उतना ही अच्छी तरीके से किया जा सकता है। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में हमें ये ध्यान करना है, अगर बार बार आपको गैस बनती है, पेट फंसा फंसा सा रहता है, पेट फूला रहता है, आपका खाने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि पेट तो पूरा ही फुल है, तो आपको सचेत होने की आवश्यकता है। लूज मोशन है, अगर आपको लगातार लूज मोशन बने हुए हैं, महीनों से लूज मोशन है, तो इसकी वजह से आपका वेट भी लॉस होगा। क्यों? क्योंकि जो आप खाना खा रहे हैं तुरंत मोशन आ रहा है, जो खाना खा रहे हैं तुरंत मोशन में जा रहा है, तो आपको वो खाना एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, आपकी बॉडी को लगेगा ही नहीं, और वो लगेगा नहीं तो जो अंदर है वो कितने दिन तक चलेगा, वो कहीं ना कहीं आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब लॉस होते चला जाएगा और आपका वेट लगातार कम होगा। तो लूज मोशन अगर आपको लगातार बने हुए हैं, दिन में, महीने में 15 दिन में एक बार लूज मोशन होना कोई गलत बात नहीं है, मैंने कहा कि कोई भी गलत बात नहीं है अगर आप कभी कभी कोई भी गलती करते हैं, लेकिन वो गलती लगातार दोहराएंगे तो वो गलती नहीं है, फिर वो आपका क्या है, अपराध है। तो लूज मोशन अगर 15 दिन में या एक महीने में एक बार होते हैं तो वो पेट के सारे कचड़े को बाहर निकाल देते हैं, तो उससे हमें घबराना नहीं है, बस अपनी थोड़ी बहुत डाइट चेंज करनी है, लूज मोशन ठीक हो जाएंगे। लेकिन लूज मोशन 15 दिन लगातार चल रहे हैं, 20 दिन से लूज मोशन लगे हुए हैं, हमारे पास एक पेशेंट आई, एक महीने से लूज मोशन है, एक महीने में उसकी हालत ये ख़राब हो गई कि डॉक्टर उसे हॉस्पिटल के लिए एडमिट करने के लिए उसे रेफ़र कर दिया, घर वाले उसे लेके ही जा रहे थे हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए, तब जाकर वो उसके ध्यान में आया कि यहाँ पर ट्रीटमेंट करा कर देखते हैं, और 3 दिन में वो ठीक हो गई। 3 दिन में तो उसके लूज मोशन एक दो पर आके जहाँ उसे 10-10 बार लूज मोशन हो रहे थे, तो लूज मोशन से भी शरीर का लॉस यानी कि आपके वजन का लॉस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आपको मोशन इंडिया में रहते हैं, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको मोशन या तो 24 घंटे में एक बार आना चाहिए या सुबह शाम आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जलवायु है, जिस तरह का टेम्परेचर है, जिस तरह का खान पीन है, आपको 24 घंटे में एक बार तो मोशन आना ही चाहिए। अगर बहुत सारे लोगों को 3 दिन में एक बार आता है, बहुत सारे लोगों को 1 हफ्ते में एक बार आता है, और अभी तो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि कितने महीनों बाद किसी को कोई मोशन आया, तो कितने महीनों बाद अगर मोशन आ रहा है तो उसका मतलब उसका पेट का कितना सिस्टम गड़बड़ हो चुका है, उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कितनी स्लो हो गई है। तो कॉन्स्टिपेशन अगर आपको एक आध दिन हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो लगातार कॉन्स्टिपेशन है, आपको 2 दिन में मोशन आ रहा है, 3 दिन में मोशन आ रहा है, तो तुरंत आपको सचेत होने की जरूरत है, कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाने की जरूरत है। नींद डिस्टर्ब हो जाती है जब आपको आईबीएस की जैसे दिक्कतें आती हैं, आपको बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, बार बार आपका ध्यान पेट की तरफ जा रहा है, बहुत सारे लोगों का दिन भर पेट की तरफ ध्यान रहता है ना, आप पेट में ये हो रहा है, पेट में वो हो रहा है, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ खिंचाव हो रहा है, यहाँ आवाज़ आ रही है, वहाँ आवाज़ आ रही है, तो उसकी वजह से दिन भर आपका अगर दिन भर पेट की तरफ ध्यान है और रात में आपको नींद नहीं आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं सिम्टम्स आपके आईबीएस के ही हैं। आईबीएस में भी ऐसा होता है क्योंकि पेट इस समय इरिटेट है और इरिटेट का जो आपका ध्यान है वो अपनी तरफ खींच रहा है, है ना। तो पेट जब आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने लग जाए और फिर आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए तो ये कहीं ना कहीं आईबीएस का सिम्टम है। डिप्रेशन, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले आते हैं पेट की समस्याओं को लेकर, पेट गुड़गुड़ करता है, लूज मोशन है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं होता, दिन भर वो पेट की तरफ रहते हैं और वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आप पेट की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, पेट के गड़बड़ होने की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो तुरंत आपको सिम्टम से आईबीएस के हैं।
वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि लूज मोशन है तो आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो आप कुछ भी खा रहे हैं वो आपके मोशन से पास हो रहा है, वो आपको एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, और लगातार जब ये ऐसा होगा तो आपके शरीर का वेट लॉस होगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका 5 kg वेट, 10 kg वेट, 15 kg वेट, 20 kg वेट भी आपका इस IBS के कारण से लॉस हो जाता है। और IBS एक मेडिकल टर्म है, IBS एक मेडिकल डिजीज़ है, IBS डायग्नोज वाली डिजीज़ है, IBS टेस्ट में आती है, IBS हमारे बहुत सारे टेस्ट के माध्यम से पता लग सकती है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी टेस्ट में नहीं आती हैं, बहुत सारी चीज़ें बीमारियां ऐसी हैं जो डॉक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं होती हैं, लेकिन IBS हमारे डायग्नोस में आती हैं। तो IBS को हमें समझना है, ये सिम्टम्स को ध्यान में रखना है, ये गड़बड़ियां अगर आप कर रहे हैं और आपको मोशन कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन है तो आपको सचेत होकर अपने शरीर का चेकअप कराने की ज़रूरत है, और एक अच्छे जो एक्सपर्ट है पेट के उनसे अपना इलाज कराने की जरूरत है। न्यूरोथेरेपी में हम इसका IBS का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि हम हर कारण को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट दे सकते हैं। खास तौर से इसमें अगर मोटा माटी एक चीज समझें तो ये हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन खराब होना है। जब हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट खराब हो जाती है तो IBS आएगा। तो हमारा कंट्रोल आपके सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर है। हम आपकी बॉडी के अंदर हैप्पीनेस हार्मोन्स को बना सकते हैं, और ये एक दिन का ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि एक दिन में इरिटेशन नहीं आई। मैंने शुरुआत में कहा था कि ये एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है, और जो प्रॉब्लम एक दिन में नहीं आती है वो एक दिन में ठीक भी नहीं होती है। धीरे धीरे आने वाली प्रॉब्लम धीरे धीरे ही ठीक होती हैं। तो बॉडी के इरिटेशन को ख़त्म करना है, बॉडी को रिलैक्स करना है, आपके ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करना है, और सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना काम करे उसके लिए ट्रीटमेंट देना है। तो न्यूरोथेरेपी इन सब पर काम करना जानती है। पेशेंट अगर पेशेंस के साथ में न्यूरोथेरेपी का इस्तेमाल करे, डाइट और एक्सरसाइज का इस्तेमाल करे, तो पेशेंट 101% ठीक हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे फीडबैक हैं जो पेशेंट ने हमें दिए हैं कि उनको IBS सीवियर था और आज न्यूरोथेरेपी की वजह से, आज न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से वो 101% ठीक है। तो IBS का इलाज 101% है। शुरुआती दौर में अगर आप इसे पहचान लें, इसका उपचार कराएं, तो ये 101% ठीक हो सकती है, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सीवियर कंडीशन में भी इसको ठीक किया जा सकता है।